श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है, जिस पर सारी चीजें संसारी चीजें खींचती हो, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे वही है कृष्ण। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है केंद्र, कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जो आकृष्ट करे, जो आकर्षित करे, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन, कशिश का केंद्र। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है जिस पर सांसारिक चीजें खींचती हों, जो केंद्रीय चुंबक का काम करे। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक अर्थ में कृष्ण का जन्म है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह कशिश का केंद्र है, वह सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है जिस पर सब चीजें खींचती हैं और आकृष्ट होती हैं। शरीर खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, परिवार खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, समाज खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है, जगत खींचकर उसके आसपास निर्मित होता है। वह जो हमारे भीतर कृष्ण का केंद्र है, आकर्षण का जो गहरा बिंदु है, उसके आसपास ही सब घटित होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति जन्मता है तो एक अर्थ में कृष्ण ही जन्मता है। वह जो बिंदु है आत्मा का, आकर्षण का, वह जन्मता है और उसके बाद सब चीज उसके आसपास निर्मित होनी शुरू हो जाती है। उस कृष्ण बिंदु के आसपास क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाता है और व्यक्तित्व निर्मित होते हैं। इसलिए कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म मात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, कृष्ण का जन्म एक व्यक्ति विशेष का जन्म पात्र नहीं है, बल्कि व्यक्ति मात्र का जन्म है। अंधेरे का, कारागृह का, मृत्यु के भय का अर्थ है, लेकिन हमने कृष्ण के साथ उसे क्यों जोड़ा होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कृष्ण की जिंदगी में घटना घटनी होगी कारागृह में वह नहीं घटी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि जो बंधन में पैदा हुए होंगे वह नहीं हुए हैं। मैं इतना कह रहा हूं कि बंधन में हुए हों या न हुए हों, वे कारागृह में जन्मे हों या ना जन्मे हों, लेकिन कृष्ण जैसा व्यक्ति जब हमें उपलब्ध हो गया तो हमने कृष्ण के व्यक्तित्व के साथ वह सब समाहित कर दिया है जो प्रत्येक आत्मा के जन्म के साथ समाहित है। ध्यान रहे कि महापुरुषों की कथाएं जन्म की हमेशा उल्टी चलती है। साधारण आदमी के जीवन की कथा जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर पूरी होती है। उसकी कथा में एक सीक्वेंस होता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। महापुरुषों की कथाएं फिर से रिस्पेक्टिवली लिखी जाती है। महापुरुष पहचान में आते हैं बाद में और उनके जन्म की कथाएं फिर बाद में लिखी जाती है। कृष्ण जैसा आदमी जब हमें दिखाई पड़ता है तब तो पैदा होने के बाद बहुत बाद दिखाई पड़ता है, वर्षों बीत गए उसे पैदा हुए। जब वो हमें दिखाई पड़ता है तब वो कोई 40-50 साल की यात्रा कर चुका होता है। फिर इस महिमावान, इस अद्भुत व्यक्ति के आसपास कथा निर्मित होती है। फिर हम चुनाव करते हैं इसकी जिंदगी का, फिर हम रीइंटरप्रेट करते हैं, फिर से हम इसके पिछले जीवन में से घटनाएं चुनते हैं और घटनाओं का अर्थ देते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूं कि महापुरुषों की जिंदगी कभी भी ऐतिहासिक नहीं हो पाती है, सदा काव्यात्मक हो जाती है, पीछे लौट कर निर्मित होती है। पीछे लौट कर जब हम देखते हैं तो हर चीज प्रतीक हो जाती है और दूसरे अर्थ ले लेती है, जो अर्थ घटते हुए क्षण में कभी भी न रहे होंगे। और फिर कृष्ण जैसे व्यक्ति की जिंदगी एक बार नहीं लिखी जाती, वो सदा बार बार लिखती है। हजारों लोग लिखते हैं, जब हजारों लोग लिखते हैं तो हजार व्याख्याएं होती चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे कृष्ण की जिंदगी किसी व्यक्ति की जिंदगी नहीं रह जाती, कृष्ण एक संस्था हो जाते हैं, एक इंस्टीट्यूशन हो जाते हैं, फिर वे समस्त जन्मों का सारभूत हो जाते हैं, फिर मनुष्य मात्र के जन्म की कथा और उनके जन्म की कथा हो जाती है। इसलिए व्यक्तिवाची अर्थों में मैं कोई मूल्य नहीं मानता हूं। कृष्ण जैसे व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, वे हमारे मानस के, हमारे चित्त के, हमारे कलेक्टेड माइंड के प्रतीक हो जाते हैं और हमारे चित्त ने जितने भी जन्म देखे हैं वे सब उनमें समाहित हो जाते हैं। इसे ऐसा समझे कि एक बहुत बड़े चित्रकार ने एक स्त्री का चित्र बनाया, एक बहुत सुंदर स्त्री का चित्र,
लुविन ने उससे पूछा कि ये कौन स्त्री है जिसके आधार पर इस चित्र को बनाया। उस चित्रकार ने कहा, ये किसी स्त्री का चित्र नहीं है, ये लाखों स्त्रियां हैं जो मैंने देखी हैं, सबका सारभूत है। इसमें आँख किसी की है, इसमें नाक किसी की है, इसमें ओठ किसी के हैं, इसमें रंग किसी का है, इसमें बाल किसी के हैं। ऐसी स्त्री कहीं खोजने में नहीं मिलेगी। ऐसी स्त्री सिर्फ चित्रकार देख पाता है, और इसलिए चित्रकार की स्त्री पर बहुत भरोसा मत करना, उसको खोजने मत निकल जाना, क्योंकि जो मिलेगी नहीं, साधारण स्त्री मिलेगी। इसलिए दुनिया बहुत कठिनाई में पड़ जाती है, क्योंकि हम जिन स्त्रियों को खोजने जाते हैं वे कहीं है नहीं। वे चित्रकारों की स्त्रियां हैं, कवियों की स्त्रियां हैं, वे हजारों स्त्रियों का सारभूत है, वे इत्र हैं हजारों स्त्रियों का, वो कहीं मिलने वाली नहीं है। वे हजारों स्त्रियां मिलजुल कर एक हो गई है, वह हजारों स्त्रियों के बीच में से खोजी गई धुन है। तो जब कृष्ण जैसा व्यक्ति पैदा होता है तो लाखों जन्मों में जो पाया जाता है उस सब का सारभूत उसमें समा जाता है। इसलिए उसे व्यक्तिवाची मत मानो, वो व्यक्तिवाची है भी नहीं। इसलिए अगर उसे कोई इतिहास में खोज करके जाएगा तो शायद कहीं भी नहीं पाएगा। कृष्ण मात्र के जन्म के प्रतीक बन जाते हैं, एक विशेष मनुष्यता के जो इस देश में पैदा हुई है। इस देश की मनुष्यता ने जो अनुभव किया है वो उनमें समा जाता है, जीसस में समा जाता है। देश का अनुभव है, किसी और देश का अनुभव है, वो सब समाहित हो जाता है। हम अपने जन्म के साथ जन्मते हैं और अपनी मृत्यु के साथ मर जाते हैं, कृष्ण के प्रतीक में जुड़ता ही चला जाता है, अनंत काल तक जुड़ता चला जाता है। इस जोड़ में कभी कोई बाधा नहीं आती है, हर युग उसमें जुड़ेगा, हर युग उसमें समृद्धि करेगा, क्योंकि और अनुभव इकट्ठे हो गए होंगे और वह कलेक्टिव आर्च ऑफ टाइम में जुड़ते चले जाएंगे। लेकिन मेरे लिए जो मतलब दिखाई पड़ता है वो मैंने आपसे कहा, ये घटनाएं घट भी सकती हैं, ये घटनाएं न भी घटी हों, मेरे लिए घटनाओं का कोई मूल्य नहीं है, मेरे लिए घटनाओं का कोई मूल्य नहीं है। मेरे लिए मूल्य कृष्ण को समझने का है कि इस आदमी ने ये घटनाएं कैसे हमने देखी हैं, और अगर इनको हम ठीक से देख सकें तो ये घटनाएं हमें अपने जीवन में भी दिखाई पड़ सकती है, और वो अपनी मृत्यु तक पहुँचते पहुँचते अपनी मृत्यु में भी कृष्ण की मृत्यु के तालमेल को उपलब्ध हो सके। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और कमेंट दीजिए, क्योंकि मैंने कुछ फिलॉसफी टाइप की कह दी है। तो धन्यवाद, अगर आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।